Hey Codaholic, this is Yogesh Bisht and you are watching the Code Deck. The Code Deck का जो YouTube channel है, वहाँ पर हम programming और computer and tech world से related videos को बनाते रहते हैं। अगर आप एक geeks हैं, एक aliens हैं या फिर एक codaholic हैं, तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप एक बार YouTube channel पर जरूर visit कीजिएगा। अगर आप programming में interest रखते हैं, तो यहाँ पर आपके interest के according कई सारी playlist हैं, जैसे C programming through practical approach, वेब डिजाइनिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और उसी के साथ साथ हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में भी इस यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं, राइट? तो डेफिनेटली अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द कोड डेक पर जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक इमेज के अंदर अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि एक इमेज के अंदर अपने डेटा को छुपा सकते हैं। जनरली ये टेक्निक हैकर के द्वारा यूज की जाती है। ये सिंपली एक फोटो को आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में शेयर कर देते हैं, और जैसे ही ये फोटो आपके लैपटॉप या मोबाइल में शेयर होती है, इजिली वो आपके लैपटॉप को हैक कर लेती हैं, क्योंकि इन फोटो के अंदर या फिर मैं कहूं इन फोटो के पीछे कुछ ऐसी फाइल होती है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो इजिली आपके डेटा को चुरा सकते हैं या फिर क्रैक कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर जो मेरा पर्पज आपको ये सिखाने का है कि ताकि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकें, ताकि आप फ्यूचर में अगर इस तरीके का कोई अटैक आप पर होता है, आपके जो लैपटॉप है मोबाइल को हैक करने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर आप इस बात को जान सकें कि दैट इज अ ट्रैप फॉर यू, राइट? और इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि आप एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपका लैपटॉप हो सकता है मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपकी कुछ फाइल्स हैं उनमें कोई भी पर्सन कोई इंटरचेंज ना कर पाए, तो यहां पर आप सिंपली एक फोटो के अंदर उन फाइल को रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस फोटो के अंदर है क्या, राइट? तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पास यहां पर दो पिक्स हैं। द फर्स्ट वन दैट इज योर पिक एंड द सेकंड वन दैट इज योर पिक वन। मैंने यहां पर ये दो पिक्स इसलिए ली है ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि क्या सच में इन दोनों पिक्स में से एक पिक के अंदर कोई डेटा सिक्योर है या नहीं है, राइट? तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहली पिक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसके साइज को चेक करूं, तो आप देख सकते हैं इसका साइज है 112 यानी 112 KB, राइट? तो उसी के साथ साथ अगर मैं दूसरी पिक पर क्लिक करता हूं और इसकी साइज देखता हूं, तो इसका साइज है 433 KB। आप देख सकते हैं दोनों पिक्स की जो डायमेंशन है, फिर मैं पिक्सल कहूं, वो इक्वल है, बट इवन देन उनके साइज में डिफरेंस है, यानी डेफिनेटली इनमें से किसी एक फाइल के अंदर कुछ डेटा को छिपाया गया है, या फिर मैं कहूं एक फोटो के अंदर कुछ डेटा को छिपाया गया है। तो सबसे पहले पहली पिक को चेक करते हैं। अगर मैं पहली पिक क्लिक करूं और ओपन विद, राइट, ओपन विद विंड, राइट, विन आर ए आर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी मदद से खोलूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं द आर्काइव इज आइदर इन अननोन फॉर्मेट और डैमेज, राइट? यानी इस पिक के अंदर कोई भी सिक्योर फाइल या फिर हिडन फाइल्स नहीं है। अब मैं दूसरी पिक पर क्लिक करता हूं और ओपन विद विन आर ए आर, विन रार एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस फोटो के अंदर तीन फाइल app.py, फाइल हैंडलिंग इन एंड इनहेरिटेंस, राइट, ये तीन फाइल को मैंने हाइड किया है। आप सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट टू, और आपको सिंपली ओके कर देना है, और आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर ये तीन फाइल्स हैं, राइट? तो आपने देखा कि कैसे एक फोटो की मदद से इस फोटो के पीछे आप कई फाइल्स को छुपा सकते हैं, इन फोटोज के आप पीछे आप कितने भी साइज की फाइल को छुपा सकते हैं, चाहे वो कोई मूवी हो या फिर किसी भी टाइप का आपका डेटा हो, आप वो हाइड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि हम ये काम करें कैसे, राइट? तो आइए देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे किसी पिक के पीछे अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं छुपा सकते हैं, राइट?
तो सबसे पहले मैं यहां से इसे कट कर देता हूं, और फॉर योर राइट तो मैं इसे सबसे पहले डिलीट कर देता हूं, कंप्लीटली डिलीट, राइट। सो दिस इज योर डिलीट। अब मैं यहां पर एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करता हूं, दैट इज योर न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम सिंपली रख देता हूं, दैट इज योर टेस्ट अगेन, राइट। सो टेस्ट टू, राइट। तो आप यहां देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है टेस्ट टू। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ पिक्चर्स, सबसे पहले एक पिक्चर को डालता हूं, दैट इज योर पिक्चर, राइट। तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, मैं इस पिक्चर को आपको दिखा देता हूं कि क्या इसके अंदर कुछ है या नहीं है, राइट। सो आप देख सकते हैं विनरार आर्काइव की मदद से मैं इसे ओपन कर रहा हूं, और अगेन एरर दिखा रहा है कि अननोन आर्काइव फाइल, राइट। तो इसका मतलब इस फोटो के अंदर कोई भी हिडन फाइल्स नहीं है, राइट। अब इसके बाद यहां पर मेरे पास तीन फाइल है, एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा टेस्ट, और तीसरा एक फाइल डॉट बैट फाइल, राइट। तो मैं इन तीनों को अब टेस्ट टू में मूव कर देता हूं, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास इस फोल्डर में अब तीन फाइल आ चुकी हैं, और इन्हीं तीन फाइल को मैं इस पिक के अंदर या फिर इस पिक के पीछे छुपाने वाला हूं, राइट। तो आइए देखते हैं, इट इज गोइंग टू बी सच अ इंटरेस्टिंग वर्क। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इन तीनों फाइल को कर लीजिए सिलेक्ट, राइट। तो कंट्रोल क्लिक की मदद से आप वन बाय वन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और एड टू आर्काइव पर क्लिक करना है। आपके सामने एक डायलॉग मेन्यू ओपन होती है, यहां पर आप देख सकते हैं आर्काइव नेम लिखा गया है, दैट इज योर टेक्स्ट टू डॉट आर आर। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, बस इसका एक्सटेंशन चेंज नहीं करना है, राइट। तो मैं इसे नाम देता हूं, दैट इज योर हिडन, राइट। सो दिस इज योर द हिडन आर्काइव फाइल। अब सिंपली आपको ओके कर देना है, और आप यहां पर देख सकते हैं आपकी एक हिडन आर्काइव फाइल बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये आर्काइव फाइल बन चुकी है तो हमें इन फाइल की कोई जरूरत नहीं है, और मैं कर देता हूं डिलीट, राइट। तो अब मेरे पास क्या है, एक तो आर्काइव फाइल है, राइट, जिसके अंदर तीन फाइल्स हैं, और उसी के साथ साथ मेरे पास एक पिक है। अब बात यह आती है कि इस पिक्चर के अंदर इस आर्काइव फाइल को कैसे छुपाएं, राइट। तो सर उसके लिए हमें जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पर, राइट। तो हर एक विंडो पर, राइट, जो भी आप विंडो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आप इसे कह सकते हैं, राइट, तो जो भी आप विंडो यूज कर रहे हैं वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट पर आप जाइए, और यहां पर आपको एक कमांड लिखनी है, राइट। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड फॉर दिस ट्रिक, या फिर मैं कहूं इस प्रॉब्लम के लिए, फिर इस ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए यहां पर आपको वो कमांड लिखनी जरूरी है, तभी वो काम आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज करनी है। अब सर डायरेक्टरी क्यों चेंज करनी है, जैसा कि मैंने यहां पर जो टेस्ट फोल्डर है, आपको डायरेक्टरी को इस टेस्ट फोल्डर में ले जाना है। तो मैं सिंपली टेस्ट फोल्डर क्लिक करूंगा, इनमें से किसी एक पर क्लिक करता हूं, और प्रॉपर्टी पर जाके जो इसका डायरेक्टरी है, फिर मैं कहूं लोकेशन है, उसे कॉपी कर लेता हूं, राइट। सो जस्ट कॉपी इट, राइट। सो जस्ट कॉपी इट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्या कर लेता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, राइट। सो दिस इज योर पेस्ट। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए जो कमांड प्रॉम्प्ट पर यूज किया जाती है, दैट इज योर सीडी, राइट, एंड अगेन देन यू हैव बैकस्लैश, राइट। So we have backslash, और आप जो C डबल कोलन है आप उसे कट कर दीजिए, राइट, एंड वी जस्ट गो टू द एंड ऑफ द लाइन एंड जस्ट एंटर। तो जो आपकी डायरेक्टरी है, फिर जो आपका पाथ है, वो चेंज हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक कमांड लिखनी है। सर कमांड कौन सी है, कमांड है कॉपी, राइट, कॉपी फ्रंट स्लैश बी, राइट, क्या आपकी कॉपी फ्रंट स्लैश बी। अब आपके पास आता है इमेज का नाम, राइट। तो आई जस्ट सिंपली क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स। तो यहां पर मेरे पास इमेज का नाम है पिक्चर डॉट जेपीजी, राइट। सो दिस इज योर पिक्चर डॉट, राइट, सो दिस इज योर पिक्चर डॉट जेपीजी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस, राइट, उसके बाद जो आपकी आर्काइव फाइल है, राइट, फिर मैं कहूं आर ए आर रेयर फाइल है, उसे एड करना है, दैट इज योर हिडन, राइट, हिडन डॉट आर ए आर, राइट। अब सिंपली इन दोनों को एड करके हमें किसमें डालना है, हमें पिक्चर डॉट जेपीजी में इनको एड करके डालना है। तो इसके बाद आप अगेन पिक्चर डॉट जेपीजी जो आपकी फाइल है या फिर जो आपकी फोटो है उसको क्लिक कीजिए, और जस्ट सिंपली यू हैव टू एंटर।
तो आप यहां पर देख सकते हैं वन फाइल कॉपीड, यानी अब आपका काम हो चुका है, आपने अपने पिक के अंदर डेटा को स्टोर कर चुके हैं या फिर डेटा को छुपा चुके हैं। अब मुझे इस हिडन जो अर्काइव फाइल है उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं और यहां पर मेरे पास आ चुकी है एक पिक्चर। तो आइए देखते हैं कि क्या यह हमारा काम हुआ भी या नहीं, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, यू जस्ट सिंपली हैव टू ओपन विद विन आर ए आर आर्काइव एंड यू कैन सी हियर वी हैव थ्री फाइल्स, राइट। फाइल डॉट बी ए टी, न्यू माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ट डॉट टी एक्स थ्री, आई जस्ट एक्सट्रैक्ट इट, राइट, ओके, एंड नाउ यू कैन सी हियर वी हैव दीज थ्री फाइल्स, राइट। तो आप ऐसे इजिली किसी पिक के पीछे अपने किसी भी डेटा को सेव या फिर हाइड कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दी कोड डेक।